बढ़िया जवानी सलामत रहे तुहार। बहुत बढ़िया डुमरा मेरे सुरेंद्र भैया। अच्छा दोस्तों, मैं ओमप्रकाश दीवाना पूरी टीम सहित आप सभी श्रोताओं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ अपील करता हूं कि जो साथी दीवाना म्यूजिक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने अनुज दीवानवा के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी को दबा देंगे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। आप लोगों के बीच में जो बिरहा भेज रहा हूं, इस बिरहे का नाम है प्यार के कातिल उर्फ छोटू आरती कांड। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हर बिरहा की तरह इस बिरहा को भी आप लोग पसंद करेंगे। अमर प्रेम कहानी के अमर नायक छोटू यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रेम कहानी की नायिका आरती कुमारी तथा छोटू के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी से बहुत जल्द उभरे। एक बात बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हाल ही में मैंने अमरनाथ हादसा गाया था, आधा से अधिक कमेंट में छोटू आरती कांड का डिमांड किए थे। यह मेरा सौभाग्य है। इस बिरह को गाने के लिए प्रेरित किए हमारे छोटे भाई सोशल मीडिया के सम्राट सम्राट मुकेश यादव जी, सम्मानीय आदरणीय संतोष यादव कवि जी जौनपुर, बड़े भैया आलोक सागर गाजीपुर और मनोरंजन भोजपुरी डिजिटल हेड भाई विशाल यादव जी। इस बिरह की एक एक बारीकियों को हमारे तक आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का काम किया। आभारी हूं बिरह लिखने में सहयोग किए। आइए, जिस प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है पूरे भारतवर्ष में, आखिर प्रेम है क्या, मोहब्बत किसे कहते हैं? हालांकि अभी तक धरती पर किसी ने मोहब्बत का परिभाषा नहीं दिया। चार लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है, कैसे जीतन बाबू? कि प्यार पूजा इबादत है जग जानता, प्यार के बाग का पुष्प इंसान है, राग जिसके हृदय में है बसता नहीं, जन्म मानव का लेकर भी हैवान है, मौज भी प्यार में, दर्द भी प्यार में, प्यार में फूल खिले, प्यार में सुल मिले, प्यार
नभ कबर से नयन आज धरती ले आप लोगन के पता बा हर बिरहा में हम नई कौवाली या तो नई गजल गाइला ये बिरहा में भी नई गजल से शुरुआत करतने जीतन तनी आवत बाबू प्यार में हार आया सिख दोस्तों की महफिल में दर्दे दास्ता सुना रहा है कैसे सुनावे जीतन कि दिल गया जो चाहेंगे लुट गया कहानी कहां कबा के करबा हालांकि वायरल चीज बा फिर भी हम अपनी बिरहा के माध्यम से कहानी का एक एक बारीकी आप लोगन के बताई राधा किशन के प्रेम का जहां प्रसंग होता था वहीं पे प्रेम मिट गया जहां सत्संग होता था बिहार राज के अंदर जिला मशहूर अररिया ग्राम बढ़वा करानीगंज थाना की है खबरिया जहां के धीरेन्द्र यादव नागरी देवी गुजरिया बेटा रविकांत विशुड़ुकांत आरती छोटी दुलरिया रूबी आरती की भाभी है पवन आरती का जीजा है प्यार में प्यार मिट गया मोहब्बत का नतीजा है उसी से प्यार किया है जिसे दिल चाह लिया
बाबू, बिरह के बात तनी डिटेल में समझ ली। बिहार राज्य जिला अररिया ग्राम बड़ौआ थाना रानीगंज करहे वाला धीरेन्द्र यादव जो सत्संगी थे, सत्संग करते थे अपने दरवाजे पे, पत्नी नागरी देवी, चार औलाद, बड़ी बिटिया, बड़ा बेटा रविकांत, छोटा बेटा विष्णुकांत, बेटी आरती कुमारी। बड़ी बिटिया का शादी हो गई बा। बड़ी बिटिया के शौहर यानी आरती के जीजा का नाम पवन यादव, जो मधुबन पूर्णिया जानकी नगर का रहने वाला था। ए भैया, आरती का भाभी का नाम अर्थात रविकांत का दुल्हीन का नाम रूबी देवी, जो इस कहानी की मेन खलनायिका है। छोटू कहाँ का था, जरा छोटू का बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ। तनी ऐजा पारंपरिक गीत लगाता जीतन बाबू। की गौवा रहड़िया के अरे बाबू में सयाद, छोटू जिन कर छोटा का दू रती के गौवा में अरे छोटू के नानी हाल रहे, आ बगले में रहे घर बारी, आए बाबू रहनिया गांव के रहे वाला उमेश यादव। उमेश यादव का तीन बेटवा, बड़ा बेटवा भविष्य यादव, मझिला बेटा मनु यादव और छोटका बेटवा छोटू यादव। आरती के गौवा छोटू का ननिहाल हो, कबो कबो रास्ता से आवे जाए में आरती के देखे, आरती के खूबसूरती पर दीवाना हो गई। आ जब दीवाना भइल तब आरती के आरती अरे उतारे ले सापनावा में, तो मने मने करे लगले प्यार, एक तरफा प्यार बढ़ गया। वन साइड एक दिन देखलस कौन लड़की है जो आरती से ज्यादा बतियावे ले, बोला वोलस एगो बात कहे कि एक दिन आरती के अरे तमिलाली सहेलिया अरे प्रेमवा के कैले छोटू यादव बोला जाना कहे देना आरती से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो हमसे बात करेगी। सहेली कहलस ठीक है मैं कह दूंगी। पहुंचल आरती के यहाँ, ए आरती छोटू तुमसे बात कर चाहता। आरती क्या जवाब देती है, जैसन भाव वैसन गीत लगत है उपेंद्र भैया। कौनो आशिक धोखेबाज मासुका से कहे कहे दिल ना लगाई हा अरे फेरु जानी आई हा, जानी आई
कहलस का बोलब तब बतावे आरती। अरे का बतियाई अभी तक हमारा ऊपर कोई का नजर उठावे का हिम्मत ना होला। कहे काहे प्यार ना कर भी का कलस सुन ना कमनो लैकन से सुन प्यार करी ले हम सरे वो करा ले कल रे बड़ा बड़का आशिक लगत है। कल सुन मिले ला मोहब्बत में खाए के धोखा दो सहेली कहला छोटू से अरतिया ना पटी बड़ी जिद्दी ही उना बतियाई। छोटू पीछा करता रहा बार बार सहेली से मैसेज भेजवाता रहा बोल दो आरती बात करे आरती बात करे। दो महीना का दिन गुजरा है आखिरकार आरती की सहेली एक दिन आरती के नंबर से फोन लगा देती है। फोन उठौलस हेलो हाय करत है। एक बात बताई ला मुकेश भैया गुड्डू भैया प्यार कौना दरवाजा से दिल में एंट्री करेला। आज तक न प्रेमी जनल न प्रेमिका जान पौली फिल्मी तरज लगा था जी तक कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अरे हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब डा गया आपका मुस्कुराना गजब डा गया। एक डुबैया बात बढ़ जो गई। अरे बात ही बात में बात बढ़ जो गई प्यार के बाग में कली भंवरा चूमे। बात ही बात में बात बढ़ जो गई प्यार का कोई परिभाषा लिखी हो मोहब्बत का एक लाइन प्यार सागर से गहरा गगन से
बढ़ जो गई लागल घी का छौका। अरे इसकी की आग में घी बढ़ जो गई प्यार के बाग में कली भवरा चुमे। प्रेम की गाड़ी निकल पड़ी, दौड़े लगल प्रेम का पटरी पर आए हाय। आरती और छोटू के बीच में बात होते होते 2 साल गुजर गया। आरती के परिवार के सारे लोग जानते थे सिवाय आरती के पिता धीरेंद्र यादव को छोड़कर। गौर करी है, हर एक फोन कॉल पे बस आरती और छोटू में यही बात होती थी, कब तक हम लोग बात करेंगे, शादी कर ले, हम लोग का प्यार पवित्र है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आरती के परिवार वाले आरती का शादी छोटू से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आरती थोड़ा अमीर परिवार से थी और छोटू थोड़ा गरीब परिवार से था। खैर, फोन पे जो बात हुई भाभी से, भाभी मैं शादी करना चाहता हूं। फोनवा का बतिया पर छोटू एक दिन कैलन का, शायद यह तक काल बन गया छोटू का जिंदगी आके। गीत हमारे कैसेट का लगा था मास्टर, शिल्पी राज का सवाल हमार जवाब बा, कहली पूछली गलतिया तो पूछली गलतिया तो कानून कैलो रानिया, कानून कैलो रानिया, अरे गालिया में तेज काहे नून कैलो रानिया। रूबी भाभी से जमकी होई गईली बातिया, अरे होई गईली बातिया तो चल दिहले छोटू 5 जुलाई वाली रातिया। छोटू के पिता उमेश यादव के दिए गए बयान के मुताबिक छोटू अपने ननिहाल अर्थात आरती के घर के लिए रात 8 बजे को निकल चुका था। आरती के घर कब आया ये तो छोटू ही बता सकता है, लेकिन छोटू इस दुनिया में नहीं है। आरती के बयान के मुताबिक आरती ने छोटू को कब देखा, कब देखा जीतन, आरती के नींद टूटल 2 बजे खिड़की से छोटू ऊपर पड़ल बा नजरिया हो, कांपे लागल भय से शरीरिया हो। आरती का पार्टू का एग्जाम चल रहा था, 2 बजे का अलार्म लगा करके सोई थी, जब अलार्म की घंटी घनघनाई है एकाएक नींद टूटी है, बाड़ी की तरफ निकली है, तब तक से खिड़की से नजर पड़ गई छोटू के ऊपर। आके बंद कमरवा में छोटू के खिड़किया से आवाज लगावे कहो भाग जा तू गावे अपना करली बिनी दिया, अरे करली बिनी दिया की चाल दी हले छोटू 5 जुलाई वाली रातिया। छोटू बोला नहीं जाऊंगा, शादी के नाम पे आया हूं, शादी की बात क्लियर करके जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना कि लोग हमको जान से मार देंगे। आरती ने बताया नहीं, इन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं है। आरती का यह स्टेटमेंट बहुत कुछ क्लियर करता है कि घर में बहुत पहले से शादी के खिलाफ लोग थे। आखिरकार
आरती बाड़ी से होकर के अपने रूम में चली गई। रूम में जो ही जा करके अपने बेड पे सोती है। कुछ पल के बाद जितने लोग मारने का प्लान बनाए थे मास्टरमाइंड रूबी देवी शहीद उस घर में एंट्री मारे हैं जिस घर में लोगों ने छोटू को बंद कर रखा था। हुआ क्या मास्टर? तनिका जीतन भाव बदला था। आरती के घरवा वाला मिल के 2 बजे रतिया का छोटू का साथ का करत होना कि कबोलाते कबो बोलाते कबो हाथे कबो डंडा से मारे ले मीरा गैया नोह कबारे ले छोटू बोला हां आए हाय इहे कहलका तो गुनाह हो गई हो बाबू। छोटू कहां कहना छोटू को भारी पड़ गया शादी के कहलका अरे छोटू के बुरा हाल भाई अरे राधा के कन्हैया के आए है बाबू 7 लोग मिल करके उस छोटू को मारने लगे। बंद कमरे में असहाय चीख रहा था चिल्ला रहा था। कवि जीतन का ये जब भाव परिवर्तन करत हुआ जीतन बाबू चीख चितकार से करे जावा दहली गईल मामा से आरती लगावे ली गोहरिया छोटू के मामा जब बचावे खातिर नहीं आईल छोटू के पापा के दिहाली फोन पे खबरिया। ए बाबू आरती दौड़ती जाती है छोटू का ननिहाल उसके घर के एक घर के बाद पड़ता था। छोटू के मामा नहीं आए लचार है छोटू चीख रहा है चिल्ला रहा है। फोन लगाती है छोटू के पापा को। उमेश यादव बोले बेटा चिंता मत कर मैं आ रहा हूं। लेकिन तब तक से घर वाले समझ गए कि आरती किसी ने किसी को बुला लेगी। आरती के साथ क्या किए तवले आरती के मारी पीटी वही घरावा में बंद कैल तनिको ना दाया कैल
मार पीट करके आरती को दूसरे घर में बंद कर दिए। चुप, फोन लगाएगी, बुलाएगी, आज तेरे छोटू को कोई नहीं बचाएगा। चीख रहा था, खिड़की से हाथ जोड़ करके एक बात कहे, आरतिया राजा करे माई बाप भैया से छोटू के छोड़ी करी हाथ जोरिया। ए बाबू नहीं माने लोग, मारते रहे पीटते रहे, छोटू चीखता रहा चिल्लाता रहा, अंततोगत्वा विरह में परिणाम निकला। भाव तनिका फिर बदला था जीतन भैया, मजबूर छोटू बचने की उपाय कर रहा है। कहा था हाथ जोड़ी पारी ले चरनिया हो ना पावन बाटे हमारी प्रेम के कहानिया हो। पवित्र प्यार करता हूं आरती से, छोड़ दीजिए मुझे, शादी करा दीजिए, मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन मारी मारी तोड़ा ले बदनिया हो ना तब पानी बिना सूखे छोटू के जुबानिया हो। प्यासा था छोटू, मार खा रहा था, भागते भागते छोटू के पिता उमेश यादव पहुंचते हैं दरवाजे के पास। छोटू के पिता उमेश यादव का स्टेटमेंट है कि जब ही दरवाजे के पास पहुंचे आरती के पिता लाठी चला दिए, भगा दिए दूर, खिड़की से आवाज लगाए, छोटू के पिता मेरे बेटे को छोड़ दीजिए आप लोग। जब पिता की आवाज सुना है मजबूर छोटू एक आवाज लगाया है कि तवले पापा से बोलल बचनिया हो ना ए पापा हम के पियाई दे बनिया हो ना। बाहरे बेटवा बाहरे बाप बाहरे प्यार के दुश्मन, बाप को एक घुट पानी भी नहीं पिलाने दिए। किए क्या कि धीरे धीरे बीताली राइनिया हो ना कि देई को रेंट छीनले ओई लाल के जीवनिया हो।
आखिरकार करंट दे करके मार डाले प्यार के सच्चे नायक को। कवि की लेखनी बड़ी दर्द में एक बात लिखने को मजबूर हो गई, तेरी में भाव है। अरे मोहब्बत में मोहब्बत हार गई, ए गुड्डू भैया मोहब्बत में मोहब्बत हार गई, मान अभिमान के आगे क्या है जान की कीमत। जात भी एक थी धर्म भी एक था, जात भी एक थी धर्म भी एक था, फिर भी शादी रचाने में क्या हर्ज था। तुम धनी थे मैं माना वो मजदूर था, तुम धनी थे मैं माना वो मजदूर था, पर बेटी की खुशी तो तेरा फर्ज था। एक बार ओम प्रकाश दीवाना मानता है आप अमीर थे आरती के बाप, तो क्या वह बेटा क्या वह छोटू आपका बिरादर नहीं था? क्या अपने प्रेमी के साथ आपकी बेटी खुश नहीं रह सकती थी? खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीन कर, ए धीरेंद्र यादव, खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीन कर, ए प्यार के दुश्मनों, प्यार से नफरत करने वाले लोगों, खुश रहोगे कहां तुम खुशी छीन कर, नाज से जिसको पाला बिलखती है बेटी, प्यार मर कर अमर है कहे आरती, अब न होगी हजम जेल की दाल रोटी। आरती का प्यार तो मर कर अमर हो गया, लेकिन क्या आपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो कि आपका भविष्य कैसा है? खैर सब कुछ लूट गया, सबेरवा होत होत लोगों की जब भीड़ इकट्ठा हुई, तौना घरी का बात कभी जी लिखत मन तरज गो और नहीं लगता। कौनो सहेली अपना सहेली से कहे, गई ने जब से बाहर आया ते बार बार हो, चिरैया बन के उड़ गई ने राजा जी हमार हो, चिरैया बन के उड़ गई ने। छोटू का बाबू और आरती मिलके कैलन का गई ने अस्पताल लेके दिलावा में आस हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं खे छोटू के सांस हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं खे। चबकी पोस्ट मा टमके आइल बारी पोटिए बाबू, बिजली के साथ साथे लागल गहरी चोटिए बाबू, बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है, यहां तक बिजली का शॉट दे करके इसको मारा गया। कैसे सत्संगी लोग थे जिसने मानव को मानव नहीं समझा, क्या सत्संग के नाम पे ढकोसला करते हो? आखिरकार भाई क्या आरती उमेश के मिलल दोपहर में लाश हो, बतावे डॉक्टर साहब नहीं थे छोटू के सांस हो, बतावे डॉक्टर। सब कुछ लूट गया आरती का, आरती का दो चार गो स्टेटमेंट को ऊपर आज के डेट में जब से छोटू मरा तब से लेकर के आरती का मांग हो,
मौत मुआवजा राशि चाहे फांसी हो। अब बोली आरती सब कर हो खे तलाशी चाहे फांसी हो। पिता भैया भाभी अरे मिथिलेश पवन अरुण हो, नाम जद अभियुक्त हुए कि मिलकर किए थे खून हो। अरे तो गिरफ्तार पापा भैया भी सवासी चाहे फांसी हो। अब बाकी कहावा छुपले सत्य नासी चाहे फांसी हो। माता नागरी देवी, पिता धीरेन्द्र यादव, बड़ा भाई रविकांत यादव, भाभी रूबी देवी, जीजा पवन यादव, अरुण यादव जो कि छोटू के बाप उमेश यादव के साथ सत्संग में जाया करता था। एक और अभियुक्त बना मिथिलेश, भाभी रूबी देवी का भाई। सात लोग में दो लोग गिरफ्तार हुए, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी चाहिए। एक बात आना चाहता हूं इन मीडिया वाले भाइयों के लिए, जो ईमानदार हैं उनको ओम प्रकाश दीवाना कोटि कोटि नमन करता है, जो आप सच्चाई से लोगों के बीच में सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो केवल धंधे के लिए, टीआरपी के लिए मीडियाबाजी करते हैं उनके लिए दो लाइन। कुकुर मुत्ता मीडिया वालन के का हम करी बखान हो, आ उल्टा सीधा दोनों पक्ष से पूछे रोज बयान हो। अरे शब्द से काटे जैसे काटे गड़ा सी चाहे फांसी हो। आ कबो बनावे रानी कबो चाहे फांसी हो। यूट्यूब जब से आया है तब से चैनल वालों ने नाकों में दम कर रखी है, घरे घरे न्यूज चैनल पैदा हो गई बा। जिनको खुद था थी का की का पता नहीं है वो अभी माइक लगा दे रहे। हेलो, कुछ बताएंगे आपका नाम क्या है। कुछ बेशरम मीडिया वाले तो ये लिखते हुए नजर आए कि आरती और छोटू गंदा काम करते हुए पकड़े गए। बेवकूफ, कहां से शिक्षा लेकर के आए हो? गंदा काम अगर तुम्हें लिखना है, दर्शाना है, तो साहित्य की जानकारी रखो, इसके बाद मीडियाबाजी करो, इसके बाद तुम ककला न्यूज चैनल चलाओ। अगर एक बार मान भी लिया जाए कि छोटू और आरती गलत तरीके से पकड़े गए थे, तो यदि आप YouTube पे लिखते हो तो लिख सकते हो कि छोटू और आरती आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए, गंदा काम करते हुए। ये कौन सा सेंटेंस है भाई? गली गुच्चे का शब्द इस्तेमाल करते हो और कहते हो कि हम न्यूज चैनल चलाते हैं। ओम प्रकाश दीवाना माफी चाहता है सच्चाई कहने के लिए। सच्चाई कहना हमारी आदत है, मैं बार बार बोलता हूँ, सच कहना बगावत है तो बागी नाम है ना। ईमानदार मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी मीडिया कर्मी साथियों से मैं कहूंगा कि वाकई आप ईमानदारी से न्यूज परोसते हो तो उस छोटू के लिए और आरती के लिए न्याय की मांग करो, सच्चाई लाओ लोगों के सामने। खैर, अब तनी आल्हा में बिरहवा में तीन चार लाइन दिलवा के चीरे वाला है। कैसे जी तन? आज आरती का जिंदगी कहां से कहां आ गई, किसी ने सहारा नहीं दिया। छोटू के मरने के बाद धन है छोटू के पिता उमेश यादव जी, ओम प्रकाश दीवाना सैल्यूट करता है आपके जज्बे को। छोटू की प्रेमिका को आपने अपनी बेटी बना लिया, इसके ऊपर कवि जी का भाव है।
कि जहवा हो ससुरायाजू अरे भैल नई हरवा बाबू कि जे हो ससुर भैले धर्म के बाप अरे तयारतिया भागिन बन के उस खलनायिका का नाम लेना चाहता हूं जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड रही की योजना बना के घात अरे रूबी भाव जाई कैली अरे छोटू के मौत से रूह गईल काप सुगानावा अरे पिजड़ावा से उड़ी हो गईले अरे माई बाबू भाई दोनों करले बिलाप छोटू की माँ छोटू के पिता उमेश यादव जी बड़ा भाई भविष्य यादव और मझिला भाई मन्नू बिलखत हो रोत हो अगर इस विरह में आरती के परिवार का जिक्र नहीं करता हूं तो फिर मेरा विरह वन साइड मोड़ ले लेगा और आप लोग जानते हैं कि हम विरह में कभी वन साइड बात नहीं करते जो आप लोगों ने पहचान दी है उस पहचान के मुताबिक तने विरहवा सदर में करवट ले ला जीतन के दादी छोटा भाई विष्णुकांत बड़ा भाई रविकांत का स्टेटमेंट है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका रंगे हाथ बाथरूम में पकड़े गए। ओहो, बच्चे नहीं थे कि रंगे हाथ बाथरूम में पकड़े जाएंगे। क्या वे लोग एक बार मान भी लिया जाए कि संबंध बना रहे थे तो बाथरूम का दरवाजा खोल करके संबंध बना रहे थे कि आप लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। खैर एक बार और मान लिया जाए कि बाथरूम का दरवाजा खुला हो या ना खुला हो संबंध बना रहे थे तो एक बात तो फिर इस स्टेटमेंट को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। कौन सी बात? अरे पवन मिथिले सयारून ते ही छाना दिया में कैसे वहां गई ले पवन जानकी नगर मधुबन पूर्णिया से आने में 2 घंटे का सफर रूबी का भाई अरुण यादव ये लोग उसी टाइम कैसे पहुंच गए? क्या बहानाबाजी करते हो? नहीं यकीन होगा हमारे ऑडियंस को, शायद यकीन ना हो ओम प्रकाश दीवाना की बातों पे। आप लोगों को पता है मुझे सच्चाई कहने की आदत है। आप लोग आरती और छोटू के बीच में जो बातें होती थी उसे सुन लीजिएगा। आरती की भाभी रूबी और छोटू के बीच जो बात हुई है उसे सुन लीजिएगा। वह लड़का बार बार यही बोल रहा था शादी की बात करने आना है। आरती और छोटू के हर कॉल डिटेल से पता चलता है कि छोटू ऐसा लड़का नहीं था, वरना आज के आशिक 2 मिनट बात करते हैं तो तीसरे मिनट में बोलते हैं फोन रखने से पहले ऐ जानू। एक भी कॉल डिटेल छोटू और आरती का ऐसा नहीं मिला। आप लोगों ने सुना होगा बात करते हुए छोटू बोलता है ठीक है फोन रखो,
भाभी से भी बोल रखा है, भाभी मैं बात कम करता हूं क्योंकि आरती एग्जाम की तैयारी कर रही है, बहुत कम बात होती है। फिर इतना बुरा इल्जाम क्यों? तो जरा सुने। अरे फोन के डिटेल सारा कहले कहानी, अरे छोटू को बुलाए लोग यो जाना बाना, योजना बना करके योजना बद तरीके से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी पहले से बनी हुई थी। जब घिरते हुए नजर आए सभी अपराधी तो अरे बनली गवाह जाबाया रती बहिनी, अरे बचे खाती फांसी से गोड़े सारी बातें साफ है। न्याय आप लोगों को करना है। जौना दिनवा छोटू कते रहिया रहल। हमारे भारत की एक बहुत बुरी परंपरा है, चाहे बूढ़ मरे तब जवान मरे, तेरही भोज। तेरही भोज में लोग भोज खाने के लिए जुटे हुए थे। कुछ मीडिया कर्मी हमारे साथी छोटू के पिता उमेश यादव का स्टेटमेंट ले रहे थे। वहां के ग्रामीणों की आवाज आ रही थी कि स्टेटमेंट बाद में, पहले भोज हो जाए। इसके ऊपर ओम प्रकाश दीवाना भारत के लोगों से, हर समाज के लोगों से, हर जाति धर्म के लोगों से, इस स्थिति को देखते हुए ओम प्रकाश दीवाना भारत के लोगों की वर्तमान हालात को बताना चाहता है दो कड़ी के माध्यम से। मुकेश भैया, आपके कहने पर मैंने इस बात को विरहा में लिखा। कौन सी बात है? न्याय नहीं लोगों को ऐसी मत रोज चाहिए, न्याय मिले या न मिले मृत्यु भोज चाहिए। पवन यादव पकड़ाइले तीन गिरफ्तार, चार कहवा लुकाइले, सात को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बाप और भाई पहले गिरफ्तार थे, तेरही के बाद जीजा पवन यादव गिरफ्तार हुआ। तो सवाल ओम प्रकाश दीवाना का है, इस भारत के प्रशासनिक व्यवस्था से पुलिस बल को भी का उनका डोज चाहिए। अक्सर अपराधी खुलेआम घूमते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का हाथ होता है। आरती का एगो मैसेज है। तेरही के रोज हमारे सच्चे मीडिया कर्मियों ने अच्छा स्टेटमेंट लेकर के आरती का एक स्टेटमेंट डाला था। आरती ने क्या बोला? फांसी लगवाई तब मिली तसल्ली, आ थाना कचहरी चाहे जाए पड़ी दिल्ली, चाहे थाना कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, चाहे मोदी जी के यहां जाना पड़े, चाहे नीतीश जी के यहां जाना पड़े, लेकिन मैं दोषियों को फांसी लगवा करके मानूंगी। सैल्यूट करता है ओम प्रकाश दीवाना ऐसी बहादुर बहना के जज्बे को। तो की जो बचे हैं उनकी खोज चाहिए, अरे न मिले या न मिले मृत्यु भोज चाहिए।
बुध छत्रपति साहू फूले अमर है प्रेम कहानी, बाबा साहब ललैया दो याद रही कुर्बानी। अरे मोहब्बत में मोहब्बत हार गई, सुरेंद्र दी